वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेंडी है डिसीजन। सो हमारे चैनल पे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी एश कलर को लेके, तो आज हम करने जा रहे हैं एश कलर। तो सबसे पहले हम करेंगे प्री लाइनिंग या फिर ब्लीच। तो आप देख सकते हैं हेयर की कंडीशन, तो अब देखेंगे आफ्टर लाइटनिंग क्या रिजल्ट आता है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... फाइनली हमारी लाइटनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं पूरी ग्लोबल लाइटनिंग। तो इसमें साइड्स में हमने मूव्स यूज किया है ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है आफ्टर 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के बाद हमारी लाइटनिंग लेवल 7 तक पहुंच चुकी है, बट एश कलर को अचीव करने के लिए इतनी लाइटनिंग काफी नहीं है। सो दैट्स वाई हम एप्लीकेशन रिपीट करेंगे, बट इस बार हम जो एप्लीकेशन की टाइमिंग है वो सेम नहीं रखेंगे। इस बार हम एप्लीकेशन की टाइमिंग विजुअल चेकिंग रखेंगे ताकि हमारे हेयर पोरस ना हो जाए। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली लाइटनिंग की सेकंड एप्लीकेशन खत्म हो चुकी है, तो देखते हैं कितने टाइम तक लिफ्ट होता है हेयर। सो आप वीडियो को पूरा देखें और बने रहिए हमारे साथ। फाइनली हमें हमारा डिजायरेबल अंडरकोट अचीव हो चुका है, बट जो येलो पिगमेंट है प्री लाइटनर इसे प्रॉपर खत्म या फिर प्रॉपर हमारे हेयर में से नहीं निकाल सकता। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करेंगे पर्पल शैम्पू या फिर सिल्वर शैम्पू। तो देखते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. फाइनली पर्पल शैम्पू करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारे हेयर 10 लेवल के थे वो प्रॉपर न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, पर जो हमारे हेयर 10 लेवल के नहीं थे वो अभी तक न्यूट्रलाइज नहीं हुए हैं। तो देखते हैं इनको आफ्टर ड्राई, पर अभी ये हमारे हेयर फेट हैं तो इसलिए थोड़े से डार्क दिखाई दे रहे हैं। पर ये डार्क क्यों दिखाई दे रहे हैं अगर किसी को पता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब हम देखेंगे इसको आफ्टर ड्राई। आफ्टर ड्राई कुछ इस तरह का रिजल्ट है। तो एश कलर को अचीव करने के लिए अब हम करेंगे 12:1। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on.
ELF001 की एप्लीकेशन हो चुकी है, बट इसका जो टाइम है वो हम विजुअल चेकिंग रखेंगे, क्योंकि ऐश कलर जो है वो कभी भी हमें विजिबल हो सकता है और हमें उसके साथ ही रिंस करना पड़ सकता है। सो देखेंगे आफ्टर वॉश और ड्राई के बाद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो फाइनली 12.11 का वॉश हमने कर दिया है, जिसकी हम प्रोसेसिंग टाइमिंग विजुअल चेकिंग थी, बट फिर भी मैंने काउंट किए थे 18 और 19 मिनट्स में प्रॉपर हमने वॉश कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जो लेवल 9 के हेयर थे उनमें येलो टिंट अभी भी है, पर जो लेवल 10 के हेयर थे उनमें प्रॉपर कलर आ चुका है। तो फिर भी हम एक बार ड्राई करके देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो ड्राई करने के बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट कुछ इस तरह का है। हमारे हेयर में एश कलर 20-30% डिपॉजिट हो चुका है, बट अभी तक प्रॉपर एश नहीं आया है। तो इसको प्रॉपर अचीव करने के लिए हम एक बार फिर से लाइटनिंग करेंगे और डिपॉजिट करेंगे। तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ, तो आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। सो थर्ड एप्लीकेशन के बाद आप देख सकते हैं हमें हमारा डिजायर्ड सिल्वर एश कलर अचीव हो चुका है। इस पूरे प्रोसीजर में हमने 3 बार प्री लाइटनिंग की एप्लीकेशन की। फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद हमें लेवल 7 का अंडर कोट अचीव हुआ था, सेकंड एप्लीकेशन में आप वीडियो बैक करके देख सकते हो, और थर्ड एप्लीकेशन में हमने दोबारा फिर से लाइटनिंग की और उसके बाद 12.11 डिपॉजिट किया। बट उसकी जो हमने टाइमिंग थी वो बहुत कम रखी थी, वो इसलिए क्योंकि हमें सिल्वर की ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं चाहिए थी। अगर आपको सिल्वर की इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप उसकी टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं और डार्क सिल्वर अचीव कर सकते हो। आप इस कलर को ट्राई करो तो उसका जो आफ्टर का पिक्चर है या फिर वीडियो है उसका जो लिंक है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझे उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। एंड नेक्स्ट वीडियो का क्या टॉपिक होना चाहिए वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो भी फॉलो कर ले। ओके, टिल देन गाइस, स्टे फिट, स्टे हेल्थी।